स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है कि सिग्मा 0 दिया हुआ है, सिग्मा 90 दिया हुआ है, ठीक है, सिग्मा 45 भी दिया हुआ है, ई और ये दिया हुआ है। सोल्व फार्मूला देखो, फार्मूला क्या था, जो स्टेन का वही होता है, फर्क क्या है इसमें, टाउ की जगह पे टाउ बाई टू यूज़ करते, ठीक है, सिग्मा 45 इक्वल टू यहाँ ये यूज़ कर, इसको यूज करके तुम्हारा आ गया सिग्मा, सिग्मा टाउ की जगह पर टाउ बाई टू यूज़ कर, इसमें यह फार्मूला आ गया, ठीक है, सिग्मा एक्स वाई। अब सिग्मा वन सिग्मा टू के लिए क्या करें, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू, देखो हाइट वैल्यू पर आ गया तो हम पास क्या है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलते, मैक्सिमम मिनिमम ये है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन क्या होता है, हम एक्सट्रीम वैल्यू यूज़ करते हैं, ई अपॉन वन माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा वन प्लस म्यू सिग्मा टू, इसमें क्या करते हैं एक्सट्रीम वैल्यू जो तुमने ऊपर से निकाला है ना, ये मैक्सिमम मिनिमम उसको यहाँ यूज़ करते हैं, बट इस वाले में ओरिजिनल जो इनपुट डालते हैं वो यूज़ करते हैं, ओरिजिनल इनपुट को हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका टू थीटा, टू थीटा आएगा आंसर, और टू थीटा प्लस 180 आएगा, तो उसको करेगा तो थीटा और थीटा प्लस 90 आएगा, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है, चाहे तो चीज़ चेक भी कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो लेगा, बड़ा लोग ले लिया इसको ईल्ड के बराबर कर लिया, बड़ा लेके इसको ईल्ड के बराबर कर लिया, वहाँ से तुम्हारा आ गया, ठीक है। अब मैक्सिमम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, स्ट्रेन के लिए क्या करता है, सिग्मा वन म्यू, सिग्मा वन बाई ई, म्यू सिग्मा टू, इसको कर दिया ईल्ड बाई ई के बराबर। देखो ईल्ड कैसे निकालना तरीका सा है, सिग्मा वन करके सिग्मा ईल्ड डालो, बाकी जो जीरो डाल दो, ठीक है, तो यहाँ से आंसर कर दिया, यहाँ आ गया, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन का फॉर्मूला करता है सिग्मा वन ये, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सियर स्ट्रेस एनर्जी का फॉर्मूला, सियर स्ट्रेस एनर्जी क्या होता है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, सिग्मा स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम सियर स्ट्रेस, ठीक है, वो तो क्या था, स्ट्रेन था, वो स्ट्रेन था, सियर स्ट्रेस था सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, ये करके तीनों के समय का जो मैक्सिमम वो यूज़ करेगा, ठीक है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का यूज़ कर दिया, ठीक है। अब मैक्सिमम सियर स्ट्रेस के लिए क्या करेगा, सिग्मा वन का होल स्क्वायर, देखो सिग्मा स्क्वायर अपन टू स्क्वायर होता है, टू ई होता है, तो सिग्मा वन का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर माइनस टू म्यू सिग्मा वन सिग्मा टू ये हो गया, ठीक है, सिग्मा वन का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का प्लस टू सिग्मा ये, मतलब क्या है, सिग्मा वन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो, टू के जगह पर माइनस टू म्यू कर दो, ठीक है। अब डिस्टॉर्शन के लिए क्या है, जो तुमने सी एस टेस्ट में यूज़ किया उसी को यूज़ करो, यहाँ देखो सिग्मा वन सिग्मा टू, ठीक है, इसको यूज़ करो, इसका होल स्क्वायर बाई टू और बाई थ्री जी, होल स्क्वायर बाई टू बाई थ्री जी कर दो, ठीक है। वहाँ सिग्मा, यहाँ क्या होता था, यहाँ याद करो, यहाँ क्या होता था, यहाँ होता था सिग्मा स्क्वायर बाई टू जी होता था ना, तो यहाँ सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का होल स्क्वायर करना, ठीक है, तीनों का सम करना, ठीक है, यहाँ आ गया, और नीचे थ्री जी करना, यहाँ थ्री जी करना, ठीक है, याद रखा, इसमें सिग्मा एल के लिए तुम्हें पता है क्या करते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या करेंगे, टू बाई, यहाँ थ्री था ना, तो यहाँ पर टू बाई थ्री करेंगे, ठीक है, टू बाई थ्री हो गया, जीव का होता नहीं, वन बाई टू कर देंगे ऊपर में, ठीक है, टू बाई थ्री और वो हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, इस वाले क्वेश्चन क्या ये है, देखिए तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज आगे की तरफ लेंगे, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये पचास, अब इसको तोड़े कैसे, देखो इसके लिए क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, पहली बार इक्वल एंड अपोजिट करते हैं, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम रखते हैं, ठीक है, यहाँ ये है तो यहाँ भी ये कर लो, इस तरह से टोटल यहाँ पे विजुअल ही आए, तो ये आ गया, ये आ गया, फिर से बोल रहा हूँ, पहली बात इक्वल एंड अपोजिट, दूसरी बात जो बॉर्डर होगा ना, बॉर्डर बॉर्डर पे इस तरह करो कि दोनों का सम नेट आए, ठीक है, कुछ करना डायरेक्शन सेम रखने का ताकि वो एडिशन करने में सुविधा हो, ठीक है, तो सम विजुअल के बराबर हो, ठीक है, बॉर्डर पे दोनों का डायरेक्शन सेम रखो और सम उसके बराबर हो, हो गया, ठीक। अब ये इसमें देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बराबर जीरो हो गया, तो यहाँ से ये बराबर ये आ गया, ठीक है, टी ए डी डी, ठीक है। और सिग्मा ए बी क्या होता है, ए बी बराबर होता है बी माइनस ए, सिग्मा ए बी क्या होता है बी माइनस ए, यहाँ से ये निकाल लिया, बी कहाँ से निकाले, सिग्मा बी कहाँ से निकाल, ए बी कहाँ से निकाले, तुमने ऊपर वाले से निकाले, देखो ये ये ए बी के लिए पूरा होता है, ठीक है, ठीक भी ठीक के लिए तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, थीटा बी के लिए नहीं होता, ठीक ए बी के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो ए बी का फॉर्मूला तुमने ऊपर से निकाल लिया, ये हो गया, ये पूरा ए बी के लिए वो होता है, मतलब लेंथ लेंथ डिफाइन होता है, तो लेंथ पूरा पूरा सेक्शन के लिए हो, सिर्फ एक पॉइंट के लिए तो होगा नहीं, तो एक पॉइंट पर के लिए क्या तुम ये यूज करना है, ए बी इक्वल टू सिग्मा थीटा बाय थ्री, सेम चीज यहाँ भी यूज करना है, थीटा एक्स इक्वल टू ये चीज बी एक्स अपन यहाँ से ये हो जाए, ठीक है, मतलब क्या है कि जो फॉर्मूला होता है ये लेंथ के लिए होता है ना कि पॉइंट के लिए, ठीक है, लेंथ के लिए होता है ना कि पॉइंट के लिए होता है, ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन में क्या ड्रॉप बी, अब इसको तू हटा के इसको हटा के यहाँ पे एक लोड डालेगा, यहाँ आ गया, और इसके जब एक मोमेंट डाले, ये आ गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा ग्राफ, अब तुम इसको सॉल्व कैसे करेगा, यहाँ देखो ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे करते हैं ऐसे सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे देखो ऊपर नीचे ऐसे, अब क्वेश्चन में क्या कि एक्स 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 तुम कहीं से ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, एक्स कहीं से लो, या तो किसी कुछ किया तो कॉर्नर से लो, या फिर यू डी एल की, क्योंकि यू डी एल से डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई टू है, तो यहाँ ये कर लो, या फिर कॉर्नर से लो, ठीक है, तो कॉर्नर से लो या फिर वहाँ से ले लो, ठीक है। फर्क क्या है, करना क्या, जो इक्वेशन लिखने के बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मतलब दोनों एक्सट्रीम पे वैल्यू निकालना है, कुछ पॉसिबल तो भी कर लेना है, ठीक है। फिर से बोलो, एक्स या तो इंड से लो, या फिर एक्स एक या तो इंड से लो, या फिर कहाँ से लेगा, यू डी एल जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से लो, ठीक है, एक्स टेकन फ्रॉम इंड एज रेफरेंस, या फिर किसी यू डी एल से ले लो, ठीक है, एक्स वाले, और इसमें क्या करें, इंड वैल्यू डाल के वैल्यू डाल लेगा और फिर उसको ग्राफ बनाएगा, ठीक है, ग्राफ कुछ मैंडेटरी है, ठीक है, यू डी एल या एक्स का रेफरेंस या तो यू डी एल से स्टार्ट करो, फिर ए से स्टार्ट करो, ठीक है, डायग्राम बोथ इंड वो रखो, यूज वैल्यू नॉट इक्वेशन, वैल्यू रखना इक्वेशन का हमें काम नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन देखो, टॉर्क देख रहा है, बेंडिंग मोमेंट दे रखा है, ठीक है, टॉर्क दे रखा है, वहाँ से सी स्ट्रेस का निकाला, टॉर्क वैसे 60 अपॉन ये, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस का निकालेगा 32 एम बाई ए, ठीक है। कंबाइंड के लिए क्या करेगा, दोनों का यूज़ करेगा, फिर से बोल रहा हूँ, कंबाइंड के लिए बेंडिंग टू स्ट्रेस दोनों का यूज करेगा, सिग्मा एक्स ये होगा, टाउ की वैल्यू हम टॉर्क से निकालेंगे और सिग्मा एक्स की वैल्यू बेंडिंग मोमेंट, फिर सुनो, सिग्मा एक्स की वैल्यू
मिनिमम से टाउ की वैल्यू सी एस टी से, ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ गया टाउ मैक्स वाला, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू होता है, ठीक है, टाउ मैक्स वैल्यू होता है सिग्मा वन माइनस सिग्मा, और मैक्सिमम सी एस टी क्या होता है सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं, ये देखा था तो ये कुछ भी नहीं है काम का। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या है, तुम जैसे एज्यूम करना से कर लो, बस फर्क क्या है इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन वाले क्या है कि इंड मोमेंट एक बार चेक करवाना है, ठीक है, इंड जैसे इन्होंने किया ना पॉइंट ए पे, इंड मोमेंट ए पे, ए पे मोमेंट निकाले तो ये देख रहे हैं 28 पॉइंट वो जो करके, फिर मोमेंट कुछ आया तो फिर उसको करना है, ठीक है, और जो डायरेक्शन तुम्हारा आ रहा है ना उसका उल्टा लेना है, ठीक है, जो डायरेक्शन आ रहा है रिएक्टिव मोमेंट है ना, जो डायरेक्शन तुम्हें लग रहा है उसका उल्टा लेंगे, ठीक है। फिर से बोलो इंड मोमेंट के लिए क्या करेंगे, उस पॉइंट पर लेकर वो होगा, और जो तुम्हारा साइन आ रहा है उसका उल्टा लेंगे क्योंकि रिएक्टिव मोमेंट है ना इसीलिए, ठीक है, वो उल्टा देता ये होगा, ठीक है। मतलब क्या इंड पेपर चेक कर, नॉन जीरो शेयर फोर्स पर मोमेंट एक बार, और शेयर फोर्स नॉन जीरो है तो मोमेंट का चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता वो होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, हाँ फिर से बोला इंड पे ना जो तुम्हारा आ रहा है उसका अपोजिट लेंगे, ठीक है, जो तुम्हारा आ रहा है उसका अपोजिट लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, ये भी कुछ खास नहीं, ये देखो सर्कुलर साफ, इसमें क्या करना कॉन्सेप्ट क्या है, सिग्मा वन सिग्मा टू निकाल लिया, ठीक है, सिग्मा टू निकाल लिया, एम 16 प्लस एम स्क्वायर, एम टॉर्क सीयर स्ट्रेस कहाँ से निकलता है, टाउ से निकलता है, ठीक है। तो अब ये देखो सिग्मा टू में क्या, सिग्मा वन मैक्सिमम लेंगे सिग्मा टू मिनिमम लेंगे, बाकी तुम्हारे जो करना वो कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हें पता है सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करो, बस माइनस टू म्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो इस वाले क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, अब ये देखो ये वाला कॉन्सेप्ट काम का है, ठीक है, ये देखो पहली बात इसमें क्या है, इसमें क्या है डेल्टा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तीनों जीरो हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। अब मतलब स्ट्रेन ए बी प्लस स्ट्रेन बी सी प्लस स्ट्रेन सी भी कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो सिग्मा ए बी निकाले तो इस वजह से ये निकल जाएगा, ठीक है। सिग्मा एक्स कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स निकालते कैसे, ये रहा सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स अपॉन ई निकाल लेंगे, देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स डायरेक्शन ओनली टेकन मल्टीप्लीकेशन बाई म्यू, देखो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई माइनस म्यू सिग्मा जेड, ये पहले होगा, ठीक है। मतलब पहला जो ओरिजिनल है उस डायरेक्शन में उसका पॉजिटिव होगा, बाकी दूसरा होगा माइनस म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। इसमें कुछ लोड लग नहीं रहा तो इसमें ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या तीनों लग, दो लग रहा तो यहाँ पर दो हो जाएगा, ठीक है। पहला जो कॉम्प्रेसिव है ना तो निगेटिव, कॉम्प्रेसिव से निकली होती है माइनस म्यू एक्स अपन ई आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा माइनस म्यू एक्स प्लस म्यू सिग्मा सी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आप इसका तुम्हें पता है ये कैसे करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में डाल के आंसर निकाल लो, ठीक है। सिग्मा एक्स ओपन ये हो गया, आप स्ट्रेन वैल्यू निकाल लिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, तीनों का सम निकाल दो वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में म्यू का एडिशन नहीं होता, सिर्फ सिग्मा स्ट्रेस वाले में म्यू का एडिशन होता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में तूने वो शेयर फोर्स निकाल लिया, शेयर फोर्स निकाला मोमेंट निकाल लिया, ठीक है, शेयर फोर्स निकाल लिया मोमेंट निकाल और ये निकाल। अब देखो बेंडिंग स्ट्रेस का निकाल तो एम आई बाई वाई, ऊपर क्या होता है, ऊपर कंप्रेसिव होता है, नीचे टॉप में कंप्रेसिव होता है और बॉटम में टेंसाइल, तो टॉप में निगेटिव होगा, देख रहा है, टॉप में निगेटिव होगा, ठीक है, सिग्मा एक्स ये निगेटिव होगा, ठीक है, टॉप में कंप्रेसिव और नीचे टेंसाइल, तो ये निगेटिव हो गया, ठीक है। अब शेयर स्ट्रेस कैसे निकालेगा, एस ए गामा बार अपॉन आई बी, ठीक है, पॉजिटिव शेयर के लिए निगेटिव शेयर स्ट्रेस में, पॉजिटिव शेयर फोर्स के लिए निगेटिव शेयर स्ट्रेस होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन है ना, तो ये हो गया, ठीक है। इसमें डाल के आंसर वैल्यू आ गया, ठीक है, टाउ टू टाटी। अब इसमें जो इनपुट डाले वही इनपुट यहाँ भी डालें, तो यहाँ थीटा टू थीटा प्लस टू थीटा प्लस 180 करता तो थीटा और 90 प्लस थीटा आ गया, ये तुम्हारा वैल्यू आ गया, ठीक है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन सब देखा, गैस सिलेंडर पे ए दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या डेल्टा इज़ इक्वल टू पी एल अपॉन ए टी, इसमें कुछ खास है नहीं, बस डेल्टा इज़ इक्वल टू पी एल अपॉन ए से ये आ गया, ऐसे जी की वैल्यू आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यहाँ से होगा, मतलब सिंपल लोड से ई आएगा और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से जी आएगा, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हें पता है एफ अपॉन जी इक्वल टू एफ अपॉन ई अपॉन टू इंटू वन प्लस सी, यहाँ से ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली के की वैल्यू एफ अपॉन के इक्वल टू एफ अपॉन थ्री इंटू एफ अपॉन ई, मतलब राइट हैंड साइड में सिर्फ एफ अपॉन ई होता है, बाकी साइड में अकेले रहेगा, जो तुम्हें निकालना वो अकेले रहेगा और इस साइड में क्या होगा वो बनेगा, ठीक है। तो ये आगे अभी देखो इसको कैसे करेगा, पहले बट ये तोड़ दिया, मैंने क्या बोला कि इस दोनों मतलब इक्वल एंड पॉजिटिव पहली चीज, दूसरी बार जंक्शन पे डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ आ करके आ रहे हैं, यहाँ तो 13.6 माइनस आ रहे होगा, यहाँ आ रहे हैं इसी डायरेक्शन में, इसको उल्टा कर दो 13.6 माइनस आ रहे ताकि नेट यहाँ हो जाए, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट और जंक्शन पे डायरेक्शन सेम रखें ताकि एडिटिव में सुविधा हो और नेट वो शो करे, ठीक है। फिर से बोलो इक्वल एंड अपोजिट, जंक्शन पे डायरेक्शन सेम रखें ताकि समीशन आसानी हो, और दूसरी बात नेट जो है ना, नेट रिजल्ट जो दिख रहा है उसके बराबर हो, तो ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आ गई, ठीक है। बाकी चीज़ तुम आप कर ही लोगे, इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें दो चीज़ें, पहली बात पी और टू पी, तो यहाँ थ्री पी लगेगा। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज आगे शो करता है, ठीक है, तो इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो आगे हो जाएगा, इसको आगे कर दिया। अब इसको तुम कैसे सॉल्व करते, सॉल्व कर, अच्छा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहली बात इसको फ्रीड मोमेंट तुम आराम से निकालो, एम ए इक्वल टू होता है एम पी इंटू ए, यहाँ 8 पी आई, यहाँ आ गया। अच्छा निगेटिव मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, निगेटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव मतलब ओ क्लॉकवाइज, तो ये दोनों आ गए, ठीक है। अब इसको निकालना है तो आर ए आर बी से निकालो, कुछ खास है नहीं, एम ए के अबाउट ये जीरो कर दिया, ठीक है,
यहाँ से आया तुम्हारा वैल्यू आ गई है ठीक है। अब टाउ वैल्यू क्लिक इसको तो क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे, इक्वल एंड अपोजिट जंक्शन पे सेम डायरेक्शन और समीशन जो सोन है उसके बराबर हो जाए, तो यहाँ आ गया ठीक है। अब फॉर्मूला पता है टी एस सी अपन एल ए बी अपन जी आई बी, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर थीटा ए बी प्लस बी, थीटा ए बी ए सी प्लस सी बी, ये होगा ये चीज़ ठीक है। यहाँ से तुम सॉल्व कर लेगा आंसर आ जाएगा ठीक है। अब सी एफ एस डायग्राम के लिए कैसे करते पता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया ये टॉर्सिनल माइनस टी ए अपॉन ये टॉर्सिनल के लिए देख लो जैसे करते हो ऐसे ही करेंगे ठीक है, इसमें कुछ खास है। अब ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कैसे करेंगे सीएल फोर्स निकाल ले, बेंडिंग मोमेंट निकाल ले, बेंडिंग मोमेंट जो है उसका निगेटिव हो, अगर निगेटिव है तो टेंसाइल होगा, ऊपर तो पॉजिटिव है, इसमें कुछ खास है नहीं, इसको करना भी नहीं है ठीक है। ये वैल्यू हो गया ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में कहाँ, अब ये देखो हिंज मोमेंट, एक मिनट पहले चलो अब आगे क्वेश्चन में आते हैं। 34 ये करना नहीं है, ये देखिए इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि हिंज में तोड़ के हम इक्वल एम्पोजिट डालते हैं ठीक है। हिंज में तोड़ के हम इक्वल एम्पोजिट फिर वो जो करना वो करते हैं ठीक है। अब इसमें क्या है, हाँ हिंज में क्या किया, तोड़ के इक्वल एम्पोजिट डालते हैं, इक्वल एम्पोजिट ठीक है, और उस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन सेम करना ठीक है। थीटा भी दोनों देखो तोड़ के इक्वल एम्पोजिट करके दो अलग अलग सिस्टम बना लिया ठीक है। अब इस पॉइंट पर ने क्या करना है, डिफ्लेक्शन सेम करना, सिग्मा बी और सिग्मा सी दोनों इक्वल करना ठीक है, सिग्मा बी और सिग्मा सी इक्वल करना है ठीक है। अब यहाँ से इक्वल आ गया, आर आ गया, फिर ये आ गया ठीक है। सी डी के लिए पता है चीज़ें खत्म, अभी इसमें कुछ खास है नहीं। 38 में क्या है, अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हारा यह वैल्यू आ गया ठीक है। पहली बात लेंथ के अलॉन्ग बेंडिंग मोमेंट है ठीक है। अब देखो पी जेड निकालना, तो एक्स के अलॉन्ग लाइन लेंथ होता है, एक्स के अलॉन्ग मान लो लेंथ है, तो पी जेड कैसे निकालेगा, एम जेड के लिए तो क्या कर दूसरा यूज करेगा ठीक है। पी जेड मतलब क्या है कि तू एम जेड के लिए क्या करे, तुम एम के अलावा कोई है उसके बाद, देखो पी जेड मतलब क्या कि पी के अलॉन्ग जेड के अलॉन्ग तू वो लेगा, पी जेड मतलब क्या कि जेड के अलॉन्ग कंपोनेंट लेगा ठीक है। एम जेड मतलब क्या कि जेड के अलॉन्ग के दूसरे साइड वाला वो लेगा ठीक है। मान लो इस तूने ये आ गया, अब ये इसको तू दो कैसे निकाला, मोमेंट निकाला, तो एम जेड इंटू टू ठीक है। ठीक फिर से बोल रहा हूँ, पी जेड मतलब उसके अलॉन्ग फोर्स निकालो, एम जेड मतलब उसके अलॉन्ग मोमेंट नहीं, डायरेक्शन कुछ और होगा ठीक है। उस एक्सिस से मतलब एम जेड मतलब जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालो ठीक है, जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालो ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया मतलब क्या कि वाई एक्सिस को कट करे, आई वाई मतलब क्या कि वाई एक्सिस कट करे। फिर से बोला पी जेड मतलब जेड के अबाउट, एम जेड मतलब जेड एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, जेड एक्सिस उसका डिस्टेंस कितना है ठीक है, जेड एक्सिस का डिस्टेंस कितना है। अब ये आई जेड, आई जेड आई वाई मतलब क्या कि वाई एक्सिस को कट करे ठीक है, वाई एक्सिस कट करो। अब सिग्मा एक्स क्या होगा, एम अपॉन वाई इंटू जेड, एक्स बराबर का जेड और वाई के करेंगे तो एम अपॉन वाई इंटू जेड करेंगे, सिग्मा एक्स मतलब क्या है वाई और जेड के करोस्पॉन्डिंग, तो वाई और जेड क्या होगा तुम्हारा, ये होगा वाई के करोस्पॉन्डिंग जेड, जेड के करोस्पॉन्डिंग मतलब सिग्मा एक्स में क्या होगा, एक्स का कुछ नहीं लेंगे ठीक है। सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स मतलब वाई और जेड कंसिडर करेंगे, और वाई और जेड मतलब एम और वाई तो सेम रहेगा, एम और वाई सेम का रहेगा और जेड और डिस्टेंस अलग लेंगे ठीक है। बस ये चीज़ हो गया कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ खास है नहीं। नॉर्मल स्ट्रेस ये आ गया, टेंजेंशियल, अच्छा ये देखो सिग्मा ये हो गया, टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई टू साइन थीटा प्लस टू, ये माइनस होता है, माइनस सिग्मा ये जो है ना ये वाला पार्ट इसका माइनस होता है, माइनस सिग्मा एक्स माइनस बाई टू साइन टू थीटा ठीक है। टेन बीटा सिग्मा टी अपॉन सिग्मा एन हो जाएगा ठीक है, रिजल्टेंट ये निकल गया, टेन बीटा इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन सिग्मा वन, यहाँ से बीटा आ गया ठीक है। अब थीटा बराबर क्या होता है, थीटा प्लस बीटा ठीक है, निगेटिव साइन ऑब्लिकिटी शो करता है, क्लॉकवाइज सेंस निगेटिव मतलब क्या क्लॉकवाइज वे में हो जाएगा ठीक है। थीटा होता है 20 माइनस बीटा, थीटा मतलब क्या, थीटा ऑब्लिकिटी एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ ऑब्लिकिटी क्या होता है, जो एंगल है प्लस एंगल प्लस वो थीटा प्लस बी, थीटा कहाँ से निकला, ऊपर वाले से, थीटा ऊपर वाले से निकला और ये रिजल्टेंट से वो निकलेगा ठीक है। एक्चुअल थीटा प्लस बी 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 एक्चुअल थीटा प्लस बी ये करेंगे तो तुम्हारा ये आ गया थीटा आ गया ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, अब ये देखो इस क्वेश्चन का सिग्मा एक्स सिग्मा वाई यहाँ से वैल्यू निकाल दिया ठीक है, पॉजिटिव साइन एंटी क्लॉक वाइज और निगेटिव साइड क्लॉक वाइज वो करता है ठीक है, जो भी पॉजिटिव ये देख लो पॉजिटिव कुछ भी हटा ठीक है, ये कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव मतलब निगेटिव और टेंसाइल मतलब पॉजिटिव ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आ गया सिग्मा वन सिग्मा टू आ गया ठीक है। अब सिग्मा मेजर के लिए क्या है, उसका माइनस म्यू इंटू सिग्मा टी, ये पता है सिग्मा वन माइनस म्यू अपन सिग्मा वाइज मेजर वो करते हैं ठीक है, इसको डाल के आंसर आ गया सिग्मा डी प्लस सिग्मा टू ठीक है। सिग्मा टू माइनस मतलब कॉन्सेप्ट कितना है कि सिग्मा मेजर के लिए क्या है, सिग्मा वन अपॉन ई जो मेजर है उसका स्ट्रेस माइनस जो बाकी वाला उसका स्ट्रेस ठीक है, ये जो होगा।